The second class that you had mentioned are children. So you're right, nuclear families may single child या two children, and yeah, they don't have enough sources of entertainment. So therefore, what would you recommend? Are you saying कि टीवी मत देखो, और are you saying उनको हर टाइम जोकर बन के keep them entertained? I mean, what do we do? बहुत अच्छा सवाल तो है, पर इसका कई आंसर ओवर पीरियड ऑफ टाइम में इवॉल्व कर रहे हैं। वी डोंट हैव अ परफेक्ट आंसर फॉर दिस। देखिए, सबसे पहला चीज जो हम पेरेंट्स को रिकमेंड करते हैं, इवन बिफोर द पेंडेमिक आल्सो वी यूज्ड टू रिकमेंड गिविंग अ मोबाइल फोन टू अ चाइल्ड इज जस्ट द शॉर्टकट। इट विल लीड टू अ मेजर प्रॉब्लम लेटर। आप ही उसी चीज को बाद में चाहेंगे कि वो हाथ ना लगाए। आप पहले आप खुद दे रहे हो उसको, कह रहे हो अच्छा आप ये मोबाइल फोन है, इस मोबाइल फोन पे आप देख लो, ये प्रोग्राम देख लो, ये कर लो, वो कर लो, पर बाद में आपको उसको कहना पड़ रहा है आप ये मत देखो, मोबाइल फोन टाइम लिमिट करो। सो वी स्ट्रांगली रिकमेंड अ वेरी लिमिटेड टाइम फॉर अ वर्चुअल एंगेजमेंट विथ रेस्पेक्ट टू चिल्ड्रन। दे हैव the screen time is so much nowadays. School for school they have 4 to 5 hours screen time continuous, that is continuous screen time. उसके बाद वो entertainment के लिए 1 hour 2 hour, तो 8 hours ऐसे ही निकल जाता है स्क्रीन के सामने। तो बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट में फिर इश्यू आ जाता है। देर आर मेनी पेर फैमिलीज वेयर पेरेंट्स गो आउट ऑफ दिस गो आउट फॉर वर्क एंड द चिल्ड्रन स्टे अलोन। सो वो जो एंगेजमेंट के लिए जो पहले रियल टॉयज होते थे वो वर्चुअल टॉयज से इन्होंने रिप्लेस कर दिया था। वी स्ट्रांगली एडवोकेट जो वर्चुअल गेम्स को छोड़ के रियल टाइम गेम्स और जो भी लिमिटेड स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो सकता है, आउटडोर एक्टिविटीज घर के अंदर ही जो फिजिकल एक्टिविटीज हो सकता है उसमें वो एंगेज हो, रीडिंग बुक्स, डूइंग क्रिएटिव थिंग्स लाइक साइंस प्रोजेक्ट और कोई भी प्रोजेक्ट्स बनाए, क्राफ्ट करे, उन सब चीजों में अपने आप को एंटरटेनमेंट और ढूंढे। क्योंकि वर्चुअल गेम्स जो होते हैं इस तरह से बने होते हैं उसमें जो एक बच्चों को अच्छा लगता है, बड़ों को भी अच्छा लगता है, उस चीज को वो रियल टाइम रियल वर्ल्ड वाले गेम्स एकदम से मैच नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम उनको कहते हैं धीरे धीरे से फिर से वो रियल वर्ल्ड में जो फिजिकल गेम्स है उसमें पार्टिसिपेट करें, ये एक्टिविटीज है उनमें पार्टिसिपेट करें। और उसके लिए पेरेंट्स को भी बहुत इनोवेटिव होना चाहिए। पेरेंट्स पहले से प्लान करके रखे कि बच्चों को हमने ये आज एक्टिविटीज में एंगेज करना है, उनका इनपुट बहुत जरूरी है इसमें।